नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनय गुप्ता। हमारी चैनल DRX AK गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 2 में आज हम पूरा अध्ययन करेंगे कि हमारा CNS होता क्या है। नर्वस सिस्टम का पहला भाग CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता क्या है। आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पूरा डीपली नॉलेज गेन करेंगे। तो हम जाने CNS का फुल नेम पहले क्या होता है दोस्तों। तो CNS का फुल नेम होता है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइडेड होता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा ब्रेन कौन सा है, स्पाइनल कॉर्ड कौन सा है और ब्रेन स्टेम कौन सा है। चित्र के माध्यम से देख लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, जो हमारा ए वाला पोर्शन है, ये जो डॉटेड लाइन से हम दिखा रहे हैं, ए वाला जो हमारा ऊपर पोर्शन है वो हमारा ब्रेन हो गया। बीच वाला भाग ये ब्रेन स्टेम हो गया, नीचे वाला भाग स्पाइनल कॉर्ड हो गया। यही हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दोस्तों। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड हमारा एक सिलिंड्रिकल शेप का इस तरह का मतलब स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स को ऑर्गन से जोड़ने में हेल्प करता है। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से इस प्रकार से न्यूरॉन्स निकले होते हैं, चारों ओर से इसमें से न्यूरॉन्स निकले होते हैं और इसमें चार प्रकार के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं दोस्तों। तो हम बात करते हैं इसमें कि कौन न्यूरॉन्स इसमें पाए जाते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन दिखाया जा रहा है, ये लम्बुलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जिसे L1 L2 भी कहा जाता है। और ये जो ये नीचे वाला भाग होता है, इसे फिलियम टर्मिनल कहते हैं, जो हमारा कोकाइक्स से अटैच होता है। कोकाइक्स हमारा जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे कोकाइक्स कहते हैं, इसे वो अटैच होता है उसे हम फिलियम टर्मिनल कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन हो गया इसे हम स्पाइनल नर्व कहते हैं दोस्तों। स्पाइनल नर्व कहते हैं और ये सारा स्पाइनल नर्व है, लेकिन इसे हम L1 L2 में लम्बुलर में डिवाइडेड किए हैं। और इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं कॉर्डिया इक्वा, यानी यह लम्बुलर का टेल वाला पोर्शन होता है, लम्बुलर का लास्ट वाला पोर्शन होता है, इसे भी हम स्पाइनल नर्व ही कहते हैं। देखिए आल्सो स्पाइनल नर्व। ठीक, अब आगे हम बात करें कि हमारा ब्रेन क्या होता है दोस्तों। तो देखिए, हम ब्रेन का स्ट्रक्चर इतने आसानी से बन रहा है, आप लोग भी देख के बनाते रहिएगा और जो ना समझे उसे बताइए। इस प्रकार से हम ब्रेन का स्ट्रक्चर फिलअप कर लेंगे। अब इसमें हम देखते हैं कौन सा पार्ट हमारा क्या कहलाता है दोस्तों। इसमें हम इसका नामकरण देखते हैं। तो इस वाले पोर्शन को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स या लेटरल बार्क कहते हैं दोस्तों। ऊपर वाले पोर्शन को हम कॉर्टेक्स और लेटरल बार्क भी कहते हैं, इसे सेरिबेलम कहते हैं। ये जो हमारा हो गया, ये हमारा हो जाएगा मिड ब्रेन। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा ब्रेन तीन भाग में डिवाइडेड होता है, एक मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। इसे इस वाला भाग को हम पोन्स कहते हैं। और ये जो हमारा होता है मेडुला ओब्लिगाटा होता है, और ये जितना भी हम अभी तक दिखाए हैं, इस पूरे को हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। यह हमारा पूरा ब्रेन स्टेम का भाग होता है दोस्तों, ब्रेन स्टेम। अब हम बात कर लें ब्रेन, जो हमारा ब्रेन होता है वो दो पार्ट में जहाँ से डिवाइडेड होता है, वो उसमें एक जो लाइनिंग होती है उसे हम कहते हैं सेंट्रल सर्कस उसे कहते हैं, जहाँ से हमारा ब्रेन डिवाइडेड होता है दो हेमिस्फीयर में दोस्तों। तो इसमें हमारा ब्रेन में कई सारे डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप देखिए, ये फ्रंटल ब्रेन हो गया, फ्रंटल लोब हो गया, ठीक, और ये हमारा पेराइटल लोब हो गया, ये हमारा ऑक्सीपिटल लोब हो गया दोस्तों, ये हमारा टेम्पोरल लोब। अब इसका फंक्शन देखते हैं, तो ऑक्सीपिटल लोब जो हमारा होता है वो सीइंग यानी देखने में हमारा हेल्प करता है।
और हमारा पेराइटल जो होता है फीलिंग को महसूस कराता है, और फ्रंटल जो होता है हमारा फ्रंटल थिंकिंग में हेल्प करता है, और जो हमारा ये टेम्पोरल है ये हमारा सुनने में हेल्प करता है दोस्तों। इसी तरह हमारा CNS इसमें ख़त्म हम है। लोगों ने CNS का लगभग सारा पार्ट कवर कर लिए हैं, और इसमें आपको कोई भी डाउट्स आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ये हमारा सेकेंड वीडियो रहा नर्वस सिस्टम का, आगे हम जल्दी नर्वस सिस्टम का थर्ड वीडियो लेकर आएंगे जिसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हमारा फर्स्ट वीडियो देखने के लिए, नर्वस सिस्टम के फर्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। ये सेकेंड वीडियो हो गया, हम थर्ड जल्द ही थर्ड वीडियो लेकर आएंगे। इस तरह हम अपने पूरे नर्वस सिस्टम के टॉपिक को कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ साथ शेयर करिए कि उनको भी इस वीडियो